सो दिस वीडियो इज़ अ लाइफ अपडेट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको अपनी लाइफ का अपडेट देने वाली हूँ कि लाइक व्हाट इज गोइंग इन माय लाइफ एंड ऑल समथिंग चीजें. तो सुबह से आई वाज वेरी बिजी क्योंकि कल रात को मैं पूरा सोई नहीं टेंशन कर करके. अब टेंशन किस चीज पे हो रही है वो लाइफ अपडेट का वीडियो है तो आपको आगे पता चलेगा. बेसिकली आज मैं आप लोग को बताने जा रही थी कि हाउ माई लाइफ इज गोइंग, मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी आदत रही है हमेशा से, मैंने हर चीज आप लोगों से शेयर करी है, मेरी लाइफ का अच्छा बुरा हर चीज. तो यू गाइज नो इट ऑलरेडी कि हाउ मच आई लव टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ विद यू गाइज. मुझे हर चीज आप लोगों से शेयर करनी कितनी अच्छी लगती है. तो या मैं अपने सौरों चीजें भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो अगर मैं हैप्पी हूँ तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, राइट. एंड अभी का लाइफ अपडेट ये है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ. टेंशन मुझे होती है लेकिन वो टेंशन कुछ ऐसे डिप्रेसिंग टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो देखो सबको ही होता है. आई एम इंजॉइंग माई लाइफ. तो सबसे पहले अपडेट करते हैं मेरी मायके वाली फैमिली से. तो मेरी मायके वाली फैमिली में सब लोग अच्छे हैं. मेरी चाची की थोड़ी तबीयत खराब है एंड वो हल्की सी स्टोन की समस्या है, बट या वो जल्दी ठीक हो जाएंगी. बाकी सब कुछ बहुत फिट एंड फाइन है घर पर, और मेरी दी के घर पर भी सब लोग बहुत अच्छे हैं. घर की तरफ से मुझे कभी कोई चिंता रही भी नहीं है. अगर मम्मी लोगों को कभी कोई टेंशन रही भी होगी तो उन्होंने कभी हम बच्चों से शेयर नहीं करी, कभी हमें नहीं बताया कि यार हमारी में ऐसे टेंशन चल रही है. तो घर की तरफ से तो मुझे कोई टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी हेल्थ से. जो ऑन द टॉप कभी भी नहीं रही है, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है. वो शायद इस वजह से क्योंकि मैं अच्छा खान पीन नहीं रखती थी वगैरह वगैरह. तो आजकल जैसे मौसम भी बदल रहा है तो सर्दी जुकाम ऑब्वियसली बातें होते ही रहते हैं. कुछ खाना पीना भी अच्छा नहीं है, की वजह से मुझे थोड़ा स्टमक में भी इशू होते रहते हैं. बाकी मेरे को जो अभी मेजर इशू चल रहा है दैट इज ऑफ स्किन एलर्जी. मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, हाथों पर, मेरे पैरों पर ड्राइनेस हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही है. सबकी चीज़ों की दवाइयाँ मैं आजकल खा रही हूँ और ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करती हूँ ये प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि शायद मुझे एलर्जी स्टार्ट हुई थी रेज़र से. बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था मुझे उससे, लेकिन मैं रेज़र भी अवॉइड कर दिया, बट स्टिल द एलर्जी इज गोइंग ऑन, चली ही रही है, ख़त्म नहीं हो रही है. मैं मेडिसिन खा रही हूँ और वो मेडिसिन मुझे ऐसा फील करा रही है कि मेरे स्टमक को वो रिलीफ नहीं दे रही है मेडिसिन. मेरा पता नहीं, मतलब मुझे खाना खाती हूँ तो मेरा बहुत टाइट हो जाता है, बाउलिंग मोमेंट बहुत ही ख़राब हो रखा है. सो या दिस इज़ माई हेल्थ अपडेट. बाकी मैं बहुत फिट हूँ, फाइन हूँ, मेंटली काफ़ी खुश हूँ और हैप्पी हूँ. फिर आते हैं हम लोग रिलेशनशिप स्टेटस में. सो रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें तो अंकित के पास टाइम ही इतना नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम बिता सके. उसके पास इतना टाइम नहीं है बिकॉज उसकी जॉब है, वो वर्क करता है एंड वहाँ पर इवेंट्स रहते हैं एंड पार्टीज़ होती रहती है. और आप लोगों को पता ही है कि मैनेजमेंट का उसका काम है तो इतना बिजी रहता होगा, राइट. उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ बातें करे, वीडियोस बनाए. कभी कभार वो कभी ऐसा फ्री रहता है तो मैं एक दो वीडियो बना लेती हूँ, लाइक अभी शादी के टाइम पर वो फ्री था यहाँ पर. रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. लाइक मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने बुरे रिलेशंस देखे हैं. मेरे जो एक्स था उसको तो कभी मेरा प्यार दिखा ही नहीं, उसको मेरे वॉलेट के अलावा कुछ दिखा ही नहीं ज़िंदगी में. कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको मेरे पैसों से कोई प्यार नहीं है, उसको मुझसे प्यार है. दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि उसको मुझसे प्यार है. वो पैसों पे उसकी नज़र है ही नहीं यार. मतलब मैंने कैसे कैसे गंदे गोल्ड डिगर लड़के देखे हैं यार, जिनकी जिमों की फीसें तक मैंने भरी है. इतना अच्छा लड़का मुझे अपनी लाइफ में मिला है, टच वुड, मुझे पता है कोई नज़र नहीं लगाएगा. कोई नज़र लगाएगा भी तो भाई कर्मा है आपका, वापस तो आएगा ही, राइट. द ओनली प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन अवर रिलेशनशिप इज कि ही इज़ वेरी रोमांटिक. वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है. उसको ऐसे कडल करना एंड करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मैं इन सब चीज़ों से उसको डांट देती हूँ क्योंकि मेरे अंदर का ना निब्बापन ख़त्म हो चुका है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्यार, इतना लवेबल फीलिंग मेरे अंदर से ख़त्म हो गई है, जो कि मेरे अंदर कमी है. ऑब्वियसली बात है यार, आपका पार्टनर है वो तो आपको टच करेगा ही ना, लेकिन मेरे अंदर से वो फिजिकल टच, इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल कहीं विलुप्त ही हो गई. आई डोंट नो क्या हो गया. मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे लड़कियां पसंद हैं. लाइक मैंने बहुत बारी अपने फ्रेंड्स से ये चीज़ें बताई हैं कि यार हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से हमारे थोड़े से क्लैशेज हो जाते हैं, कभी लड़ाइयाँ हो जाती है. बट या ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, अंकित के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर लड़की चाहती है यार कि उसका पार्टनर उसके साथ इंटीमेट हो और काफ़ी अच्छे से वो लोग एक साथ में टाइम स्पेंड करें. लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, वो मेरी गलती है. क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हो गया ना कि यार मेरे पुराने रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा है, शायद मैं उनसे अभी उभरी नहीं हूँ या उभर गई हूँ, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट शिट.
मतलब मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ऐसा रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। शायद वो इसीलिए भी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हूँ। मेरा सारा ध्यान अभी सिर्फ अपने करियर पर है, पैसे कमाने में है और अपने लिए कुछ अच्छा करने पर है। सून वी विल वर्क ऑन इट, हम लोग कर लेंगे। एंड ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीज़ें यार ऐसे प्लानिंग करके नहीं होती है, ये सारी चीज़ें ना फीलिंग्स से होती है, राइट? जब आप मुझे फीलिंग आएगा कि मैं भी उसको प्यार करूँ, या मैं भी उसको दो प्यारे वर्ड बोल लूँ, या उसको कडल कर लूँ, हक कर लूँ, किस कर लूँ, है ना, तो वो सारी चीज़ें खुद से होंगी, ऐसे नहीं होगा। तो या हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, टचवुड। एंड बस एक ही प्रॉब्लम है, बड़ा इशू नहीं है अगर, या अगर हमने बहुत लंबे समय तक नेग्लेक्ट किया तो ये बहुत बड़ा इशू बन भी जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इट्स नॉट दैट बिग इशू। करियर इज गोइंग गुड, आई एम अर्निंग इनफ। बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही हूँ, इतना नहीं कमा पा रही हूँ कि दुनिया की सारी चीज़ें खरीद लूँ, इतना कमा रही हूँ कि मैं बहुत इजीली सर्वाइव कर सकती हूँ अपनी जो भी मेरा डेली रूटीन है उसमें। इसके साथ साथ सर्वाइव करने के साथ साथ आई एम पेइंग माई बिल्स, आई एम हेल्पिंग माई फैमिली, आई एम हेल्पिंग माई पेरेंट्स फाइनेंशियली, आई एम हेल्पिंग माई ब्रदर फाइनेंशियली। मतलब किसी को ज़रूरत होती है तो आई कैन हेल्प देम, मैं इतना कमा रही हूँ। तो या अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 2 महीने से बिल्कुल शूट्स नहीं करे हैं। शूट्स करने का मेरा एक खुद का एक पर्सनल रीज़न भी था। देखो मैं कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगी, जो चीज़ हैं वो बोलूँगी। एंड जो लोग मुझे जानते हैं या फिर जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो वो लोग इस चीज़ से एग्री भी करेंगे। एंड जो लोग मुझसे चिढ़ते हैं, देखो वो मेरी वीडियो तो देख रहे होंगे लेकिन यही बोलेंगे कि अबे यार चलना इससे कौन वो करता है। मेरे को ना नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैंने अपनी इतनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी झेली हुई है ना, अब मेरे अंदर वो सहनशीलता नहीं है कि मैं किसी की नेगेटिविटी झेलूँ। साफ और सीधी बात है, अगर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो या फिर आप भी अपनी जॉब में जाते होंगे तो वहाँ पर भी पॉलिटिक्स चलती है, राइट? कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है या फिर बॉस का फेवरेट कौन है या कुछ भी चीज़ें चलती हैं यार, तो हमारी इंडस्ट्री में भी चलती हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए हैं। मैंने 3 साल रेगुलर काम किया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी घर बैठी हूँ। बैठी थी स्किन की वजह से, वो अपनी इच्छा से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा डाउनफॉल आया हो या फिर मेरे को किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया हो कि नहीं नताशा को बुलाना ही नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कभी। 3 साल मैंने रेगुलर काम किया है एंड मैंने अपने टैलेंट के बेस पर काम किया है। आप मुझसे कुछ भी करा लेते थे तो मैं कर लेती थी। लाइक डांस अगर किसी को कराना होता है तो कोई भी डांसिंग नंबर होता है, सबसे पहले लोगों को नताशा का नाम याद आता है। एक्टिंग मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई आप बूढ़ा बना लो, मुझे बच्चा बना लो, आप मुझे कोई भी कैरेक्टर बना लो, मैं बन जाती थी, राइट? तो होता ही है यार कि आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रेजिंग्स मिलने लग जाती है ना, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। क्योंकि अगर मैं मेरे फील्ड में हूँ, मैं ठीक है, एंड कोई एक्ट्रेस है या कोई एक्टर है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं मुझसे एंड मेरे को तारीफ़ें नहीं मिल रही है, उसको मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये जेलेसी वाला फैक्टर तो मेरे अंदर आएगा। यार मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे किसी से जलन नहीं होती। होती है यार, जलन तो जलन है यार, वो तो हो सकती है, ऑब्वियसली बात है, जलो आप। मुझे बहुत बार ही सुनने आया ऐसे कि ये ऐसा जलता है, वो वैसा जलता है, बट मुझे लगा कि यार ये जलने से क्या ही हो जाएगा, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं उनका कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि जादू टोना टोटका वोटका तो मैं करूँगी नहीं या फिर वो तो करेंगे नहीं। तो ओके था, मुझे बहुत पहले से ही सुनने में आ रहा है, जब से मैं 3 साल से या इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ, आई नो कि जो लोग हैं वो जलते भी हैं, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ इट। बट अब धीरे धीरे क्या होने लग गया है ना कि वो लोग जिनसे शायद मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैंने उनसे आज तक कभी बातें नहीं करी है, हम कभी फेस टू फेस नहीं मिले हैं, 1-to-1 हम लोगों ने कभी बातें नहीं करी है, एक दूसरे के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, इवन एक दूसरे का सरनेम नहीं, वो मेरा सरनेम जाने ना जाने, मैं उनका सरनेम नहीं जानती हूँ, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, कौन उनके दोस्त हैं, उनका कैसा बिहेवियर है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम। और वो लोग मुझे ब्लॉक कर देते हैं, या फिर अगर उनके पास शूट जाता है, लाइक कोई एक्टर की मैं बात कर रही हूँ, उनके पास शूट जाते हैं तो हम कभी नहीं मिले, मैं उस एक्टर से ज़िंदगी में कभी नहीं मिली हूँ, आई डोंट नो कौन है वो। मैंने उनको इंस्टाग्राम में भी, सीरियसली बताऊँ, मैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर को देखती हूँ, लेकिन मैंने उनको टिकटॉक के टाइम पे देखा था, लेकिन अब मैं उनको इतना ज़्यादा नहीं देखती थी, ठीक है। तो ही वॉज़ लाइक कि एक शूट था कि नताशा के साथ आपका पेयर अप करेंगे, शूट था वो, तो ही डिनाइड, उसने कहा कि अगर नताशा करेगी तो मैं नहीं करूँगा।
वाई, क्या मैं आपको जानती हूँ? क्या हमारी कोई लड़ाई हुई है? एक सिंगर थे, उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। मतलब क्या चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी हो गई थी ना इंडस्ट्री में। मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, सीरियसली मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी। और अगर मैं ब्रेक नहीं लेती, अगर मेरे पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं 3 साल से वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैंने 3 साल से जो पैसा कमाया वो मैंने इसी इंडस्ट्री से कमाया है, यही मेरा इनकम सोर्स रहा है, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास एक और इनकम सोर्स है, लाइक मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ, मैंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मार्केटिंग करी है, तो मैं उसी फील्ड में अब हूँ एंड मैं वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट कर रही हूँ। तो मैं चाहती थी कि यार मैं थोड़ी देर, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेरा बहुत दिल है, मेरे को अपनी इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं कोई भी चीज़ को काम करती हूँ, अगर शूट करती हूँ, अगर आप मुझे कैमरे के सामने देखोगे ना, मैं एक अलग नताशा हूँ। मैं इतने डेडिकेटली और इतने अच्छे से वर्क करती हूँ, ये मुझे पर्सनली भी फील होता है और ये लोग मुझे कहते भी हैं, ठीक है। तो मुझे मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती थी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव इट अ ब्रेक। मैं इसको सिर्फ एक ब्रेक देना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी इन सारी चीज़ों से। मैं किसी से बोल ही नहीं पाई ये सारी चीज़ें यार, कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं किसी से 1-to-1 टॉक नहीं कर पाई इस बारे में। तो मेरे दिमाग में जो नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एंड लिटरली बोल रही हूँ, मैंने शूट वालों के कॉल्स उठाना बंद कर दिए। इन 2 महीने में मुझे 50 कॉलें आई होंगी शूट की तरफ से, कभी किसी प्रोडक्शन हाउस से, कभी किसी प्रोडक्शन हाउस से, मैंने नहीं करे, मैंने उनका कॉल ही नहीं उठाया। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी। मैं चाहती थी कि यार नहीं, अब नहीं, मैं इतनी नेगेटिविटी में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि यार मैं देखो बहुत फन लविंग हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका एक बॉयफ्रेंड है, आपके 2 बॉयफ्रेंड है, आपकी शादी हो रखी है, आपका फिर भी अफेयर है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आप करना नहीं चाह रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है यार, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ, मेरे को अपनी लाइफ चाहिए बस। बट जब मैंने देखा कि यार यहाँ पर लोग तो बाबरे इतना ज्यादा ही कुछ, मतलब लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, इवन जेलेसी यार, मतलब पता है मेरे को कभी कभी मेरा खुद का ये रहा है, एंड आई डोंट नो कि मेरा व्लॉग सब देखते हैं, बट मैं ना जब बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स से मिलती थी, लाइक जिनके साथ मैंने पहले वर्क किया है, तो मैं उनको बताती थी कि सर आप ना ये चीज़ें करो, क्योंकि अभी जो नया यूथ है, जो नए एक्टर्स आए हैं, वो ये कर रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिल रही है, तो आपकी तो ऑलरेडी ऑडियंस है, ऑडियंस आपको देखना चाहती है, आप यहाँ इंस्टाग्राम पर आओ, यूट्यूब पर आओ, आपको इनकम मिलेगा वहाँ से, आपको ऑडियंस का प्यार मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि लोग ग्रो करें यार, लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं नीचे दब के मर जाऊँ, ऐसा क्यों? जब मैं चाहती हूँ कि आप ग्रो करो, तो आपको मेरी ग्रोथ से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो मुझे ये सारी चीज़ें आने लगी थी माइंड में, एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यार, कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में छी। लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो मैंने काम करना बंद कर दिया था। मैं मिली, मतलब मैं अपने शुभम भैया एंड अंजलि भाभी से मिली, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, एंड उसके बाद से पहला शूट ये 2 महीने के विराम के बाद मैं उन्हीं के साथ करने जा रही हूँ। कल मेरा रिहर्सल है एंड परसों मेरा शूट है, तो या मेरा पहला शूट अब मैं करने जा रही हूँ एंड वापस से मैं शूटिंग्स चालू कर रही हूँ। तो या मैं कहीं नहीं गई हूँ, अगर आप मुझसे जल रहे हो तो सुन लो, आप आगे भी जलेंगे, ठीक है। एंड अगर आप मेरी ग्रोथ पर खुश हो, तो मैं आपको आगे भी मौके देती रहूँगी कि आप मेरी ग्रोथ पे और खुश हो, ठीक है। तो बातें हो चुकी है कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है, राइट। मैं इतना अच्छा अभी नहीं कमा रही हूँ, आई वॉन्ट टू डू मोर, क्योंकि देखो अम्बानी के पास इतना पैसा है यार, अभी आप लोगों ने देख लिया होगा उसकी शादी जब हुई, कितना सारा पैसा है उसके पास, लेकिन फिर भी वो पैसा और कमाता है, ग्रो करना चाहता है, अपना पैसा और बढ़ाना चाहता है। मैं भी अपना पैसा बढ़ाना चाहती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, एंड मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मैं एक एक महीने में 7-8 लाख रुपए कमा लूँ, वो भी सिर्फ एक दो पोस्ट से, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर मैं एक महीने में 1 लाख या 2 लाख रुपए कमा पा रही हूँ। बाकी या आई एम डूइंग गुड ऑन माई बिजनेस, मेरा जो बिजनेस वर्क है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड सीरियसली बताऊँ, अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे भी प्रमोशन करना चालू कर रही हूँ, बट येस वहाँ पर से मेरे साथ जितने लोगों ने एनरोल किया है,
देखो हर चीज़ 100% नहीं होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर मैंने 50 लोगों ने मेरे साथ वर्क को स्टार्ट किया तो वो 50 के 50 लोग अर्न कर रहे हैं, उसमें से शायद 20 लोग अर्न कर रहे हैं और 30 लोगों ने छोड़ दिया हो, क्योंकि देखो हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है वो हार्ड वर्किंग है या नहीं है, या फिर वो इतनी जल्दी सुबह उठ जाती है, मुझसे नहीं उठा जाता। तो सबका अलग अलग है, राइट? तो जो काम नहीं करना चाहता उन्होंने छोड़ भी दिया है, जो काम करना चाहते थे अर्न करना चाहते थे वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स होकर स्टूडेंट्स होकर भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट यार। और एक बार इन्वेस्टमेंट है, देखो इन्वेस्टमेंट तो हर जगह लगता है, लोग इन्वेस्टमेंट से भाग जाते हैं, इट इज़ ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम 2300, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे पैकेज लेने, एक ही पैकेज, ठीक है? तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार ये सब क्या काम करना है, हमें नहीं करना है ऑनलाइन बिजनेस, हम लोग गवर्नमेंट जॉब पे प्रिपरेशन करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपका इन्वेस्टमेंट है ही ना। आप पहले प्रिपरेशन कोचिंग के लिए इन्वेस्टमेंट में फ़ीस दोगे, वो भी मंथली दोगे, एक बार नहीं, ठीक है? बुक्स में आप इन्वेस्ट करोगे, अपने कॉपी पेंसिल में इन्वेस्ट करोगे, यहाँ से कोचिंग जा रहे हो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म्स आ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? यू कैन, बट यू हैव टू। आपके पास अभी वो माइंडसेट नहीं है, आप चाहते हो कि आपको फ्री में अर्निंग मिले। फ्री में तो देखो आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, क्या जॉब वाले आपको घर से जॉब के प्लेस तक जाने का पैसा दे रहे हैं? नहीं ना, आप अपनी जेब से दे रहे हो ना वो पैसा। क्या आपको जॉब वाले लंच की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं? शायद कहीं कहीं कराते भी होंगे, लेकिन हर जगह नहीं ना, आप खुद से पे कर रहे हो ना, तो वहां पे भी तो आपका इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है ना, वो भी पर डे हो रहा है। यहाँ पे तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है यार, तो गिव इट अ ट्राई। मैं ये बोलना चाहूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप लोग ग्रो करो। अगर आप नहीं चाहते आप ग्रो करो तो इट्स योर चॉइस, आई डोंट केयर। अब बारी आती है शादी की। बहुत लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि कब शादी करेंगे, मैम आप कब शादी करेंगे? तो मेरा भी ये होने लग गया है कि मैं कब शादी करूंगी। देखो उम्र तो मेरी हो चुकी है काफ़ी, मतलब ऐसा है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बूढ़ी लगती हूँ, बट मेरे पास एक डिसेंट एज अब मेरी हो चुकी है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आपको बता दूँ कि मेरे माइंड में क्या चीज़ें हैं शादी को लेकर। मैं शादी करना चाहती हूँ एंड मेरा ये प्लान है कि अगले साल मैं शादी कर भी लूँ। उससे पहले आई एम सीकिंग फॉर अ लोन, क्योंकि देखो लोन की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। आप हर चीज़ बाय कैश नहीं ले सकते। मुझे घर बनाना है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि मेरे इन लॉज के पास घर नहीं है। मेरे पापा का जो घर है वो होता है ना कि लड़की का घर, लड़की का ससुराल ही होता है। मतलब मैं अपने मायके से जब भी थी तो मुझे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में मुझे प्रॉब्लम रही है, लाइक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ससुराल में ही रहती हूँ। आपको पता है मैं अपने घर पर नहीं रहती हूँ, मैं अपने ससुराल के पास रहती हूँ, तो मेरा आना जाना उतना मेरे मायके में भी नहीं है जितना मेरे ससुराल में है। आई एम वेरी शॉक्ड कि मैं मायका ससुराल करने लगी हूँ अभी से। तो अंकित की जॉइंट फैमिली है, उनका खुद का घर है, खुद की ज़मीन पर, ठीक है, यहाँ बंजारा वाला में। लेकिन वहाँ पर अभी समझ रहे हो ना, पापा फिर बड़े चाचा चाची छोटे चाचा चाची उनके रूम्स है, लेकिन हमारा पर्सनल अंकित का कोई रूम नहीं है। तो अगर मैं शादी करके रहूँगी तो मैं कहाँ रहूँगी, राइट? सो वी आर सीकिंग फॉर अ होम लोन एंड बहुत जल्दी आप लोगों को मैं खुशखबरी दूंगी कि या मेरा घर बनना शुरू भी हो गया, तो वी आर सीकिंग फॉर दैट। बाकी फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो इन लॉज हैं वो मेरे मम्मी पापा की तरह रिच नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा, मतलब हमारे घर में दो लोग एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब पर हैं, लेकिन मेरे इन लॉज के यहाँ कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है, सब प्राइवेट जॉब्स करते हैं। तो मैं उन पर डिपेंडेंट भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं पहले से ही, मतलब मैं अपने मायके की साइड से भी रही हूँ तो मैंने कभी घर से पैसा नहीं मांगा। मेरी कभी भी नज़र मेरे मम्मी पापा के पैसे पर नहीं रही है। मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं कैसे कमाऊँ, मैं कैसे कमाऊँ। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी जब मैं नए घर में जाना चाह रही हूँ, वहाँ पे अपनी लाइफ सेटल करना चाह रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम उस घर को बड़ा बनाएं और मैं अपने दम पर ये सारी चीज़ें करूँ। मैं उनको उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती कि वो ऐसा करके मुझे दे, नहीं, मैं अपने दम पर करना चाहती हूँ एंड मैं करके दिखाऊँगी आप लोगों को। सो उसके लिए वी आर सीकिंग फॉर अ लोन, तो जल्दी से जल्द हो जाएगा तो बहुत खुशी है हम लोगों को। मैं अंकित की फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे इन लॉज वर्ल्ड के बेस्ट इन लॉ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बोल रही हूँ, ये बहुत रियलिटी है। मेरे इन लॉज हैं बहुत अच्छे, वो रियली में यार बहुत, मतलब इतने अच्छे कैसे हो सकता है कोई इंसान, वो बहुत अच्छे हैं। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं अलग से घर लूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसी फैमिली के साथ रहूँ। अगर मैं अपनी शादी करके वहाँ जा रही हूँ तो मुझे मेरे मम्मी पापा भी साथ में चाहिए
और बड़े चाचा चाची भी साथ में चाहिए, गोलू भी साथ में चाहिए, छोटे चाचा चाची भी साथ में चाहिए, नन्नू भी साथ में चाहिए, मुझे पूरी फैमिली साथ में चाहिए। तो हम लोग कहीं अलग नहीं ले रहे हैं घर, हम उसी घर को बड़ा बनाएंगे एंड उसी पे रहेंगे पूरा जॉइंट फैमिली रह के, क्योंकि मुझे अंकित से ही सिर्फ प्यार नहीं है, मुझे उसकी फैमिली से भी प्यार है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ में ग्रो करें, साथ में रहें, साथ में बैठें, साथ में खाएं, एक दूसरे के सॉरोज, एक दूसरे की हैप्पीनेस का पार्ट बने। तो या मैं उसी फैमिली में रहना चाहती हूँ और उसी फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे थोड़े से सेविंग्स करने हैं। और समझ रहे, घर बनाना वो भी मुझ जैसी लड़की के लिए, बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होते हैं घर बनाने के लिए, है ना। लेकिन मैं हर चीज़ अपने दम पर करती हूँ। मैंने अपने दम पर पढ़ाई करी है MBA, मैंने अपने दम पर फ़ोन लिए हैं, मैंने अपने दम पर गाड़ी ली है, मम्मी पापा से एक पैसे के लिए नहीं बोला, अपने दम पर मैं घर बनाने की भी सोचने लग गई हूँ। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं यार इतनी अच्छी, इतनी अच्छी लड़की हूँ। तो अब उसके लिए आपको चाहिए पैसा, सेविंग्स। लेकिन मेरा जो मेन स्ट्रेस है वो यही है कि मैं सेविंग्स नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मुझे शायद। तो प्लान है हम लोगों का कि हम शादी करेंगे अगले साल, और अगले साल जब आप मेरी शादी में आएंगे तो ये हमारा प्लान है कि वहाँ पर मेरी शादी भी हो रही होगी और मेरे जो जेठ जी हैं उनकी शादी भी होगी, मतलब अंकित और अंकित के बड़े भैया दोनों की शादी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम साथ में करेंगे। इट विल बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप्स, ऐसा हम लोगों ने सोचा है। अभी फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं है हमें, ठीक है। तो ऐसा हम लोग सोच रहे हैं फ्रेंडशिप लाइफ अपडेट का। तो गाइज, फ्रेंड्स के मामले में मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा बुरी रही हूँ, किस्मत में। वैसी मैं बुरी नहीं हूँ, किस्मत मेरी बहुत बुरी रही है। फ्रेंडशिप में मैं बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ा वोकल हूँ, थोड़ा मुँह पे बोल देती हूँ, बट वो अच्छी चीज़ है, मुझे वो चीज़ अपनी अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को बुरी लग रही है तो आप बुरे हो, ठीक है, क्योंकि मेरे से ये चीज़ें नहीं होती कि मैं पीठ पीछे बोलूँ फिर पीठ पीछे कुछ बैक बिचिंग करूँगी, नहीं, मैं मुँह के सामने बोलूँगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप उस चीज़ से दूर भागोगे, एंड दूर भागोगे तो मैं भी आपके पीछे नहीं आने वाली हूँ। तो फ्रेंडशिप में अगर हम लोग देखें तो आप लोग जानते हैं कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स कोई नहीं है, थोड़ा बहुत है, लाइक शालिनी खत्री से मैं काफ़ी अटैच्ड हूँ, बट हमारा इतना नहीं बोल सकते, इतना हमारा कुछ बातचीत नहीं है। बाकी मेरे मामा की बेटी है एक सविता, मैं उससे भी काफ़ी अटैच्ड हूँ, लेकिन इतना हमारी बातें नहीं होती हैं, तो मैं उनको उस कैटेगरी में इतना अभी नहीं डालूंगी है। लेकिन यहाँ मेरे बहुत अच्छे मेल फ्रेंड्स थे, एक थे सैंडी सर एंड एक हैं प्रशांत सर। वो सैंडी सर थे इसलिए बोल दिया है क्योंकि सैंडी सर एंड मेरे हम लोग थोड़ा अच्छे टर्म्स में नहीं है, हम शादी में गए थे एंड वहाँ पर हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। अब वो झगड़ा किस चक्कर में हुआ था, बहुत ही सिली झगड़ा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो क्योंकि शादी में हुई, वो ओकेजन ऐसा था कि आपका किसी का झगड़ा हो गया किसी और के फंक्शन में, तो वो चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि मैं उनको मिस नहीं करती, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, एंड आई स्टॉक हिम एवरी डे। मैं उनकी वीडियो हमेशा देखती हूँ कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ यार, मतलब मैंने अपनी दिल की सारी बातें उनसे करी है, उन्होंने भी अपने दिल की सारी बातें मुझसे करी है, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ उनसे। तो अब वो उनसे मेरी बातचीत नहीं होती है, हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में काम भी नहीं कर रहे हैं, तो या बुरा लगता है मुझे, लेकिन या आई मिस हिम। और ऐसा कोई है नहीं कि हमारी दोस्ती टूट गई, इवन मेरी साइड से तो बिल्कुल भी नहीं टूटी है, आई मिस हिम एंड आई लव हिम, और मेरी तरफ से बिल्कुल दोस्ती नहीं टूटी है, एंड मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी, वो करना चाहे ना करना चाहे, आई डोंट केयर, बट मैं अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स तो डालूँगी। बाकी मेरी दोस्ती अच्छी है प्रशांत सर से, एंड प्रशांत सर के साथ मेरी दोस्ती ऐसी नहीं है कि हम लोग लड़े झगड़े, उनके साथ मेरी दोस्ती बहुत अलग है, लाइक सेंसिटिव टॉपिक्स में मेरी सैंडी सर से बात होती थी और हमारी सेंसिटिव टॉपिक्स में लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन प्रशांत सर में बहुत चिल है यार, मतलब अगर मेरी शादी ना हुई होती एंड प्रशांत सर का भी, मतलब प्रशांत सर तो सिंगल ही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता ना, तो हम दोनों साथ में शादी कर लेते हैं और फिर हम लोग कहीं भारी घूम रहे होते हैं, मतलब क्या लाइफ जी रहे होते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे हैं, मतलब हम फ्रेंड्स हैं यार, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड हमें अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, हमें एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मुझे बहुत हंसाते हैं, मैं उन्हें बहुत हंसाती हूँ, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, और आई लव जीनी, मुझे जीनी बहुत पसंद है, आई लव यू जीनी।
तो प्रशांत सर से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है एंड आई होप कि आगे भी ऐसे रहे एंड हम लोग बहुत इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। एंड प्रशांत सर बहुत चिल इंसान है, उनके पास ये सब चीज़ों का टाइम ही नहीं है यार कि लड़ाई वड़ाई झगड़े हुए बिच बैग बिचिन, कुछ नहीं यार, बहुत मस्त बंदे हैं, खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं बस। तो ये था मेरा लाइफ अपडेट, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर मैंने एक दो चीज़ें छोड़ दी हो है ना तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट में डाल दूंगी। एंड गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट में लिखो कि क्या कंटेंट बनाऊँ क्या कंटेंट बनाऊँ, प्लीज़ बताओ यार कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि ना ऐसा हो गया कि हम थोड़ा ये साफ़ करते हैं, हुआ नहीं है ऐसे, इसको मुझे लग रहा है ऐसे लगा के लेटना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। चलो इसमें भी थोड़ी मशक्कत करते हैं। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।